हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट होता क्या है और इसके डिफिनीशन क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन होती क्या है डाइट की? ए डाइट इज ए कंसिस्ट ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट होती है ये सब एक तरीके का राइट अमाउंट ऑफ फूड होता है, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो जिसकी बॉडी में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब इसकी दूसरी डिफिनीशन देखेंगे। ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ ईटिंग। अ बैलेंस डाइट रिड्यूस रिस्क फॉर हार्ट डिजीज और कैंसर ETC। तो ये जो बैलेंस डाइट होती है प्रोवाइड करती है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हेल्थ को, ईटिंग खाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी की, उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस डाइट दी जाती है। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ बैलेंस डाइट के फैक्टर क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, थर्ड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, ये टोटल 7 कंपोनेंट दिए गए हैं फैक्टर्स। अब इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोटीन क्या होती है सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज ए की फैक्टर ऑफ इन क्रिएटिंग ए बैलेंस डाइट। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स द नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल। प्रोटीन जो होती है हेल्प करती है बॉडी को बिल्ड करने में, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और रिपेयर बॉडी सेल को मेंटेनेंस करती है, रिपेयर करती है, हेल्प करती है बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में। की फैक्टर होता है एक तरीके का। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं और ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्ले एन एसेंशियल रोल इन ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में एसेंशियल रोल प्रोवाइड करता है। आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में और ब्लड शुगर व्हिच इज यूज्ड फॉर एनर्जी, और ब्लड शुगर यूज करता है एनर्जी के लिए। अब देखते हैं फैट के बारे में। फैट क्या होता है? फैट इज नेसेसरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADE के। फैट जो होता है वो वाइटल ऑर्गन को हमारे प्रोटेक्ट करता है और नेसेसरी परफॉर्मेंस करता है, इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, और फैट सॉल्युबल विटामिन भी यहाँ दिए गए हैं ADE के। अब विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट कैन नॉट मेड बाय आवर बॉडी। जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और विटामिन भी कई तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन बी, विटामिन सी, एंड फैट सॉल्युबल देखेंगे तो ADE के। अब देखते हैं मिनरल के बारे में। मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड बाई आवर बॉडी इन टीनी अमाउंट। जो मिनरल्स होता है हमारे बॉडी में इसकी टीनी अमाउंट में आवश्यकता होती है। तो ये रहे बैलेंस डाइट वेल डिफिनीशन, फैक्टर्स ऑफ, और फैक्टर कौन कौन से हैं ये उन्हीं का क्लास वो किया गया है, डिफाइन किया गया है एक एक करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर किसी को ये बैलेंस डाइट की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो के लिए धन्यवाद।